हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू TSN। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 11th क्लास ज्योग्राफी का ये थर्ड पार्ट है सोलर रेडिएशन चैप्टर का। सो उसमें दो पार्ट मैं अपलोड कर चुकी हूँ। थर्ड पार्ट है स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइसोलेशन एट द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पर जो आइसोलेशन मैंने अभी बताया था आपको, पहले भी बताया पहले पार्ट में कि व्हाट इज़ आइसोलेशन। इंसोलेशन क्या होता है? इंसोलेशन में वो होता है कि जब हमारे पास जो सन रेज हमारे पास अर्थ के ऊपर आ रही है वो कितनी और कैसी आ रही है, सो क्या डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर अर्थ का, वो पढ़ेंगे आज हम। सो द इंसोलेशन रिसीव एट द सर्फेस वेरियस अबाउट 320 वॉट मीटर स्क्वायर इन द ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक जो ट्रॉपिक सेंस है और अबाउट 70 वॉट स्क्वायर इन द पोल्स। पोल पर जो इंसोलेशन हमारे पास आता है वो 70 वॉट का आता है, जबकि ट्रॉपिक पर 320 वॉट का आता है। मैक्सिमम इंसोलेशन इज रिसीव ओवर द सब ट्रॉपिकल डेजर्ट। सबसे ज़्यादा जो इंसोलेशन होता है, सन रेज आती है, गर्मी होती है, वो सब ट्रॉपिकल डेजर्ट में होती है। वेयर द क्लाउडनेस इन द लीस्ट। आपको पता है मैंने आपको डायग्राम से समझाया था कि ये हमारा अर्थ है, इसके ऊपर एक एटमोसफियर की लेयर बनी हुई है जो कि क्या है, सन रेज को रोकती है हमारे तक फुली आने में। इसके बाद यदि आप देखेंगे कि सन रेज किस तरह से, यदि एटमोसफियर से जो भी इंसोलेशन अंदर तक आ गया, उसके बाद यहाँ पर एटमोसफियर होता है जिसके अंदर वाटर वेपर, काफ़ी डस्ट पार्टिकल्स, क्लाउड्स, ये सारी चीज़ें क्या होती है, इफ़ेक्ट करती है रेडिएशन को हमारे तक पहुंचने में। सो यहाँ पर हम बोलते हैं कि सब ट्रॉपिकल डेजर्ट में क्लाउडनेसनेस, मतलब क्लाउड नहीं होते हैं वहाँ, इन द लीस्ट बहुत कम होते हैं। इसके कारण क्या होता है, जो सन रेज आती है वो सीधी आती है। इक्वेटर रिसीव्स कंपेरेटिवली लेस इंसोलेशन देन द ट्रॉपिक्स। जो ट्रॉपिक्स पे जो इंसोलेशन होता है वो ज़्यादा होता है। एट द सेम लैटिट्यूड द इंसोलेशन इज मोर ओवर द कॉन्टिनेंट देन ओवर द ओशंस। इन विंटर द मिडिल एंड द हायर लैटिट्यूड रिसीव लेस रेडिएशन देन इन समर। आप देखेंगे विंटर के अंदर मिडिल एंड हायर लैटिट्यूड्स जो होते हैं वो बहुत कम रेडिएशन प्राप्त करते हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ विंटर का सीज़न है, यहाँ पर इंसोलेशन बहुत कम है, और बाद में आप समर के में देखेंगे जब सूरज की किरणें बहुत तेज आती है तो वार्म, बहुत गर्मी हमारे यहाँ बहुत तेज हो जाती है। सो यहाँ इंसोलेशन का था। अब आता है हीटिंग एंड कूलिंग एट द ऑफ द एटमोसफियर। एटमोसफियर पर कूलिंग और हीटिंग कैसे होती है? देयर आर डिफरेंट वेव्स ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमोसफियर। यहाँ अलग अलग तरह की वेव्स होती हैं जो कि एटमोसफियर को ठंडा और गर्म करती हैं। द अर्थ आफ्टर बींग हीटेड बाय इंसोलेशन ट्रांसमिटेड द हीट ऑफ टू द एटमोसफियर। एटमोसफियर लेयर्स नियर टू द अर्थ इज लॉन्ग वेव फ्रॉम। आपको पता है पहले भी बताया था कि जो शॉर्ट वेव्स और लॉन्ग वेव्स में डिफरेंस बताया था मैंने। शॉर्ट वेव्स क्या होती है, जो सन रे सन से सीधी हमारे तक आती है, और लॉन्ग वेव्स वही होती है जो सीधी अर्थ से जो इवेपरेट होकर वापस जाती है, उसे हम कहते हैं लॉन्ग वेव्स। द अर्थ आफ्टर बींग हीटेड, आपको पता है जब अर्थ पर, यहाँ एग्जाम्पल दे रही हूँ, एग्जाम्पल इसको देखिए आप, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, यहाँ ये हमारी अर्थ है और अर्थ पर जब सन रेज आ रही है, सन रेज हमारे यहाँ तक आ रही है, तो ये क्या होती है, इंसुलेशन ट्रांसमिटेड द हीट टू द एटमोसफियर, और ये एटमोसफियर को गर्म कर देती है। लेयर्स नियर टू द अर्थ इन लॉन्ग वेव्स। इसके बाद जब ये अर्थ तक रेडिएशन आती है तो ये हो गई हमारे पास शॉर्ट वेव्स, और जब यहाँ से वापस गर्म होके, एक तो अर्थ की गर्मी अंदर है, ऊपर से सन की गर्मी आ जाती है, जब ये दोनों गर्मी होकर वापस गर्म हो जाता है माहौल या हमारा पूरा एटमॉस्फेयर, तो ये वेव्स वापस ऊपर की तरफ जाती है। इसे ट्रेडिशनल टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं, और इसे हम लॉन्ग वेव्स भी कहते हैं। कौन सी कहते हैं? लॉन्ग वेव। शॉर्ट वेव्स और लॉन्ग वेव में डिफरेंस आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। सो द एयर इन कॉन्टैक्ट विद द लैंड गेट्स हीटेड। जो हवा जो लैंड के पास में से गुजर रही है वो भी क्या होती है, गर्म हो जाती है। हीटेड स्लोली एंड द अपर लेयर्स इन कॉन्टिनेंट विद द लोअर लेयर्स ऑल्सो गेट हीटेड। और ऊपर की जो लेयर होती है अर्थ की वो भी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडक्शन। आप याद रखिए स्टूडेंट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडक्शन। कंडक्शन किसे कहते हैं? कंडक्शन इज कॉल्ड जब हवा के द्वारा जो लेयर्स है हमारी वो गर्म हो जाती है, और जो वापस रेडिएशन ऊपर जाती है उसे हम क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडक्शन। यहाँ स्टूडेंट कंडक्शन के बारे में हो गया, अब आप वर्ड देखते जाइए। कंडक्शन टेक प्लेस व्हेन टू
two bodies of the unequal temperature are in contact with one another. जब हमारे पास कंडक्शन क्या कहलाता है, कंडक्शन जब होता है जब दो डिफरेंट टेम्परेचर की टेम्परेचर वाली इक्वल बॉडीज़ होती है, जैसे अपन नीचे की जो एयर थी ऊपर की लेयर से मिलती है और वो भी उसे हीट कर गर्म कर देती है इन कॉन्टैक्ट विथ वन अनादर, और एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में लेकर वो अलग अपना माहौल बना लेती हैं और अपना पूरा वातावरण गर्म कर देती हैं. सो इसे हम कहते हैं देयर इज ए फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम द वार्मर टू कूलर बॉडीज. इसको कह सकते हैं कि जब जो वार्मर से कूलर की तरफ जब जाती है तो हवाएं, तब वो कंडक्शन का रूप ले लेती है. द ट्रांसफर ऑफ हीट कंटिन्यू अंटिल बोथ ऑफ द बॉडीज अटेंड द सेम टेम्परेचर द कॉन्टैक्ट इज ब्रोकन. जो ये कंडक्शन होता है वो क्या कराता है, हीटिंग टू द लोअर लेयर्स ऑफ द एटमोसफियर. गर्म होने से जो लोअर लेयर है हमारी अर्थ की वो गर्म होती है और ऊपर की जो ठंडी लेयर होती है उसमें जाकर उसको भी गर्म कर देती है. इसे हम कंडक्शन कहते हैं. ये तो था कंडक्शन. अब आता है कन्वेक्शन. कन्वेक्शन क्या होता है स्टूडेंट, द एयर इन कनेक्ट विद द अर्थ राइज वर्टिकली ऑन हीटिंग इन द फॉर्म ऑफ करंट और फर्दर ट्रांसमिटेड द हीट ऑफ द एटमोसफियर. जो हवा कॉन्टैक्ट में आई थी अर्थ के वो वर्टिकली सीधी जाती है और ट्रांसमिट कर देती है हीट को, एटमॉस्फेयर के अंदर फैला देती है. दिस प्रोसेस ऑफ वर्टिकली हीटिंग जो कि हमारे जैसे कि ये सन है और ये अर्थ है, यहाँ पर सीधी एक शॉर्ट वेव्स हमारे तक आ रही है. इसके बाद जो हवाएं ऊपर जाके ट्रांसमिट करती है, वर्टिकली कनेक्ट करती है एक दूसरे को ठंडी हवा को, और पूरा वातावरण जो वर्टिकली हीटेड हो जाता है टू द एटमॉस्फेयर इज नॉन एट कन्वेक्शन. अंडरलाइन कर लीजिए इसको, कन्वेक्शन कहलाता है. सो दिस कनेक्टिविटी ट्रांसफर टू एनर्जी इज कंफीड ओनली टू ट्रोपोस्फेयर. ये सारी कनेक्टिविटी ट्रोपोस्फेयर में होती है. द ट्रांसफर ऑफ हीटिंग थ्रू हॉरिजॉन्टल मूवमेंट इज कॉल्ड एडवेक्शन. आपको पता है ये तो था वर्टिकली जो कि हमारा क्या कहलाया, कन्वेक्शन. अब ट्रांसफर होता है जो हॉरिजॉन्टली मूवमेंट होता है एयर का, जैसे ये हवा ऐसे चल रही है, एक वर्टिकली था वो कन्वेक्शन कहलाया, और ये क्या कहलाया हॉरिजॉन्टली हमारा कहलाया एडवेक्शन, एडवेक्शन कहलाया. हॉरिजॉन्टल इज एडवेक्शन. अंडरलाइन कर लीजिए इसको. सो हॉरिजॉन्टली मूवमेंट ऑफ द एयर इज रिलेटिवली मोर इम्पॉर्टेंट देन द वर्टिकल मूवमेंट. जो एडवेक्शन है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बनिस्बत कन्वेक्शन के. इसे लर्न कर लीजिएगा. सो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द एयर इज रिलेटिवली मोर इम्पॉर्टेंट देन द वर्टिकल मूवमेंट. इन मिडिल लेटीट्यूड, आपको पता है मिडिल लेटीट्यूड कितने तरह के होते हैं, मोस्ट ऑफ द जनरल डेड जिसे कहते हैं हम कि एक मिनट, मोस्ट ऑफ द डिजनल डेज जो ट्रॉपिकल वेरिएशन इन डेली वेदर आर कॉज बाय एडवेक्शन अलोंग. आपको पता है रोज जो वेदर में चेंज होता है वो एडवेक्शन के कारण होता है. इन ट्रॉपिकल रीजन पर्टिकुलरली इन नॉर्दर्न इंडिया ड्यूरिंग समर सीजन लोकल विंड्स कॉल्ड लू. आपको पता है जो लोकल विंड है हमारे यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टली चलती है वो राजस्थान के अंदर, आपको देखोगे डेजर्ट के अंदर जो हॉरिजॉन्टली मूवमेंट है एडवेक्शन है वो लू का नाम देते हैं. सो इसे हम यहाँ तक हो जाता है हमारा कूलिंग एंड हीटिंग दोनों का. नेक्स्ट आता है टेरिशियल रेडिएशन. सो वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी. टिल देन कीप वॉचिंग. थैंक यू.